तो दोस्तों आप में से हर कोई चाहता है कि उसका जो सिस्टम है वो एस्थेटिकली बहुत ज्यादा प्लीजिंग लगे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव टू द आई लगे जब हम बात करते हैं एआईओ लिक्विड कूलर्स की तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आता है पैसा, पैसा, महंगा, महंगा। लेकिन के वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर सात हजार रुपए से भी नीचे की प्राइसिंग पर मिल जाएगा जानेंगे के वीडियो में इसी प्रोडक्ट के बारे में सो वीडियो को तक देखें। और कहीं मच जाएगा विल बी राइट पैक आज ही बात करें परफेक्ट गेमिंग या फिर प्रोडक्टिविटी पीसी विजिट करें डब्लू और यहाँ पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारे प्रीबिल्ड मशीन से या फिर तरह की स्टमाइजेशन के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफलाइन डिटेल आउटलेट को विजिट कर सकते हैं

और यहाँ पर भी देखो दोनों जगह देखो तो ये थ्री सिक्सटी आर थ्री सिक्सटी एम का एयर लिक्विड कूलर है जो कि आप अपने पीसी में यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोसेसर्स के साथ में अब मैंने गैलेक्स वालों को बोला था कि यार आपको जो भेजना भेज दो उन्होंने बोला था कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए या कौन सा कलर चाहिए वाई तो टोल डेम कि कोई भी भेज दो तो उन्होंने मेरे को वाइट ही भेजा है गैलेक्स वाले भी समझते हैं कि मुझे सफ़ेद चीज़ें कितनी पसंद है अरे तो पहले से खुला हुआ है ये पहले ही अनबॉक्स हो गया शिट चलो कोई नहीं फिर कर लेते ये okay, तो इसको खोलते ही सबसे पहली चीज़ जो अपने को मिलती है दैट इज़ द कागज़ी कार्रवाई और जब भी आप लिक्विड कूलर बाय करें तो प्लीज़ इसको फेंकें ना क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने इसको फेंक दिया और फिर मैं अटक गया हूँ तो ये गलती आप ना करें माउंटिंग एन जी के साथ आउट ऑफ द बॉक्स हम बेटेबिलिटी एम फाइव के साथ में भी प्लस अपने को थोड़ा सा थर्मल कंपाउंड भी मिल रहा है जो शायद एक आध बार यूज़ हो जाएगा विच इज़ अ गुड थिंग ठीक है क्या एक्चुअली हमारा जो टीम है वो इस डब्बे को पहले ही खोल खाल चुकी है शॉर्ट लेने के लिए तो थोड़ा माइंड मत कीजिएगा इसके बाद वी आर गेटिंग दीज फैंस तो ये वाइट कलर में है फैंस कुछ ऐसे हैं और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि फैन का फ्रेम भी वाइट है जो कि अक्सर सस्ते प्रोडक्ट्स से हम देखते हैं तो उसमें जब हम वाइट थीम की तरफ जाते हैं जैसे कि केसेस में होता है तो वाइट केसेस में भी फैंस जो होते हैं उनको ब्लैक लगा दिया जाता है जो कि उसकी लुक को स्पॉइल कर देते हैं तीन फैंस एंड देन वी गेट द ए आई यू लिक्विड कूलर इट सेल्फ तो पहली चीज़ इसके पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है ये जो वाइट कलर है ये एक्चुअली में वाइट है ये वो सरकारी अस्पतालों जैसा नीला नहीं है जो नींद से धुला हुआ रंग आता है वाइट में वैसा नहीं है दिस इज़ प्रॉपर वाइट और क्वालिटी अच्छी है रेडिएटर की पिंस वगैरह अच्छे क्वालिटी के लग रहे हैं ट्यूब्स आर डिसेंट इनफ नॉट वन ऑफ द बेस्ट उतनी ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं हो रही है थोड़ी हल्की क्वालिटी ट्यूब्स की फील हो रही है बट इस प्राइस में फिर कहीं तो क्वालिटी को कट कर डाउन करना पड़ेगा ना देन ये इसका ब्लॉक है जो कि इन्फिनिटी मिरर डिजाइन के साथ में आता है एंड

आपका थ्री पॉइंट फाइव वोल्ट कनेक्टर है तो इसी को आप जो है डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको डीजी चेंज कर सकते हैं जो कि हम इसके फैंस के साथ में करेंगे एंड ये बात रही इसके पंप की ऊपर का इंफीर डिजाइन है जो कि आप देख सकते हैं इन्फिनिटी मिरर डिजाइन जैसे कि आपको क्रैकन में भी मिलता था बट क्रैकन की बात कुछ और थी ऑब्वियसली अब बारी आ रही है इसके फैंस की तो जो फैंस है ये प्रॉपर हाई स्टैटिक प्रेशर फैंस फील नहीं हो रहे हैं ये वाले जो फैंस हैं इसको आप कह सकते हैं एक बीच का बैलेंस मतलब कि जो हम केस फैंस देखते हैं वो काफी हल्के से फील होते हैं और फिर जो ऐसे लिक्विड के साथ में फैंस आते हैं दे आर वेरी ड्यूरेबल और मतलब बहुत ही हैवी बिल्ट होता है उनका एंड दे आर प्रॉपर स्टैटिक प्रेशर फैंस तो ये दोनों के आप बीच में कह सकते हैं ना ही ये केस फैंस इतने बहुत हल्के हैं और ना ही ये प्रॉपर ए आई कूलर के फैन जैसे बहुत ज्यादा हैवी है बैलेंस इसको आप कह सकते हैं और इसके आरपीएम की बात कर ले तो एट से लेकर एटीन हंड्रेड आरपीएम पर ये वर्क करते हैं एंड सेवेंटी थ्री का एयर ऑफर करते हैं सेवेंटी थ्री पॉइंट इज अ वेरी बिग नंबर एंड मुझे लगता नहीं कि इतना सी एफ इनमें से निकलेगा बट लिखा हुआ कंपनी ने क्या कर सकते हैं पेपर पे पेपर पे कुछ भी लिख दो बाकी देखो एक एआई लिक्विड कूलर का काम क्या है आपके प्रोसेसर के थर्मल्स को एफिशिएंट रखना उनको अंडर कंट्रोल रखना तो जब तक उसकी बात नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है वीडियो का तो इसको टेस्टिंग करेंगे टेस्ट करेंगे इसको विदेल कोर आई फाइव थर्टीन सिक्स हंड्रेड के प्रोसेसर इसके साथ में हम लोगों ने लगा रखा है एज्रॉक का जी सेवन नाइनटी फैंटम गेमिंग मदरबोर्ड और साथ ही में डीडीआर फोर मेमोरी का यूज कर रहे हैं जिसका यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और साथ ही में कैबिनेट की बात कर करें तो कैबिनेट हम लोग यूज कर रहे हैं डीपुल का सी एच फाइव टेन मैच डिजिटल जिसमें हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में जो आपने देखी थी उसमें हम लोगों ने सिल्वर स्टोन का दे, दे, कौन सा कूलर था हाइड्रोगन हाइड्रोगन यस क्या नाम था नाम दमदार था लेकिन प्रोडक्ट दमदार नहीं था तो हाइड्रोगन हम लोगों ने टेस्ट किया था उसी केस में तो उसी पूरे सेटअप में अब इस एम लिक्विड कूलर को फिट करके हम लोग टेस्ट करेंगे एंड फिर देखते हैं टेम्परेचर तो थर्मल्स क्या आते हैं तो जल्दी से लेट्स स्विच ओवर टू तो द तो टेस्टिंग स्क्रीन तो टेस्टिंग सेटअप में हम लोग आ चुके हैं कुछ कमियों के बारे में बात करेंगे पहले मैं आपको जरा स्क्रीन पर बता दूं मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन uh, कर लिया ताकि थोड़ा सा और क्लियर आप नंबर्स देख पाए सो दिस इज द कोर आई फाइव थर्टी सिक्स हंड्रेड के एंड अभी फिलहाल हम लोग जो है यहाँ सिनेबेंच बेंच आर टू थ्री रन कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला टेस्ट जो होता है आपको पता है uh, तकरीबन दो ढाई मिनट का रह रहेगी एंड टेम्परेचर जो की है बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है खैर बट हाँ संभाल पा रहा है बट आप देख सकते हैं मेजोरिटी ऑफ द पी कोर्स जो है दे आर क्रॉसिंग नाइनटी डिग्री सेल्सियस इजी पीजी आगे टेम्परेचर देख सकते हो क्योंकि सी एच फाइव टेन है तो 100 से ऊपर 100 पा रहा है टपा दिया 100 एंड बाकी नंबर्स भी जो है ही कोर्स भी जो है एटी फाइव प्लस है मोस्ट ऑफ द ई कोर्स और कूलर में मुझे कुछ और चीज़ें जो लगी पहली बात जो इसके ये ट्यूब्स हैं ट्यूब्स उतने ज्यादा हाई क्वालिटी नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो ट्यूब्स के बीच में बहुत ज्यादा बेंड आ रहा है क्योंकि आप कोई भी है लिक्विड कूलर लेंगे अच्छी क्वालिटी का तो यहाँ पर आपको ट्यूब्स में बेंड नहीं मिलेगा बट यहाँ पर आपके जो ट्यूब्स है वो काफी हद तक बेंड है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है दूसरी चीज़ ये जो लोगो है ये सीधा नहीं है आ, ब्रांड के लिए सबसे जरूरी चीज़ होती है उसका लोगो और ये जो लोगो ही है ये टेढ़ा है पता नहीं है क्यों है मेरे खाली पीस में ऐसा है या सब में ऐसा है बट मेरे सैंपल में ये चीज़ हो रही है जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही ऑल दो जिसकी आर जी की डिफ्यूजन है अगर आप इसके फैंस देखेंगे तो आर जी डिफ्यूजन बहुत अच्छी है मतलब इस प्राइस रेंज में अल्टीमेट लग रहे हैं लुक्स के मामले में फैंस की डिफ्यूजन या ब्लॉक पर आर जी डिफ्यूजन लुक्स अमेजिंग बट हाँ ये कुछ चीज़ें और सबसे मेन चीज़ जो कि होती है कूलर बंदा लेता परफॉर्मेंस के लिए तो परफॉर्मेंस नंबर आपके सामने और दूसरा ये सुनिए आप अगर आप साउंड सुन सकते हो थोड़ा पास लेके जाता हूँ ये वाइब्रेशन आप सुन सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ये जो पंप है वाइब्रेट कर रहा है पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है ये क्योंकि इसका जो ये डायल है ये मूवेबल नहीं है लॉक्ड है तो मैं चाह कर भी इसका ओरिएंटेशन नीचे सेट नहीं कर सकता ताकि जो लिक्विड और स्मूथली फ्लो करे वो हम नहीं कर सकते वरना ये लोगो उल्टा लगेगा और फिर ये बिल्कुल ही बेकार लगेगा तो टेम्परेचर्स ये रहे फिलहाल जो प्रोसेसर है वो बोर्ड में से टू ट्वेंटी फाइव वॉर्ड्स ऑफ पावर ड्रॉ कर रहा है इस टेस्ट के दौरान और टू ट्वेंटी फाइव वॉर्ड्स ड्रॉ करने के बाद में ये टेम्परेचर है जो की आ रहे हैं तो मैं यहीं पर कंक्लूड करूंगा की के सेगमेंट वाले प्रोसेसर के साथ ये मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड नहीं कर सकता आप चाहे तो आप इसे नॉन के वाले जो वेरियंट है उनके साथ में यूज कर सकते हैं आप इसे कोर आई सेवन थर्टीन सेवन हंड्रेड के साथ यूज कर सकते हैं के वाला जो नहीं आता नॉन के जो आता है उसके साथ यूज कर सकते हैं तो जो आपके लॉक सीपीयूज यूज है जो कि अनलॉक नहीं आते जो ओवर लॉकेबल नहीं है उनके साथ